ये मंदिर है और वो गुरुद्वारा होता था और ये आ गए पूरा ईद बाजार आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और आज सारे ही तैयार हैं। सो हेलो, बारिश का मौसम है, हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इस्लामाबाद। वो जगहों पे जाने का हमारा प्लान है, तो आप लोग हमारे साथ साथ रहें, आपको दोनों जगहें दिखाएंगे। बारिश का ड्रॉप मुस्तफा के मुंह में पड़ा, तो हम लोग चलते हैं। इफ्तारी के टाइम पे? हाँ बिल्कुल, इफ्तारी के टाइम में तकरीबन घंटा रह गया। हाँ बस ये है कि मुझे नहीं लगता इस टाइम इतना रश होगा तो हम पहुँच जाएंगे, ना पहुँचे तो गाड़ी में कुछ ना कुछ खोल लेंगे और कुछ खाएंगे भी। तो बड़े टाइम से ये अवेटेड था व्लॉग, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। सबको जल्दी है अपने घर जाने की, इसलिए रोडें हमें खाली मिल रही हैं, लेकिन इफ्तार का टाइम बहुत ही करीब है, 30-40 मिनट रह गए। इफ्तार के लिए सिर्फ पानी रखा है सुलेमान, सिर्फ पानी कंजूस। तो सही खोलना ना, तो पानी से खोल लेंगे। क्यों मुस्तफा ने पानी नहीं रखा? बारिश स्टार्ट हो गई है यार रास्ते में ही, और टाइम हो रहा है 6:10 करीबन, 6:40 पे या किस टाइम पे, 6:45 पे, 6:30 से आई थिंक 5 मिनट हाँ इस तरह खुल जाता है। लेकिन आप देखें काफी लोग जा रहे हैं इस वक्त। ये जी मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। इस्लामाबाद का यहाँ से आगाज हो चुका है। अच्छा, लोगों ने रेस लगाई हुई है, इफ्तार का टाइम करीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान भी और दूसरों की जान भी खतरे में डाल के जाओ। कोई हमारी गाड़ी से आधे इंच से जा रहा है, कोई उससे भी कम से जा रहा है, भाई साथ आप एक खजूर रख लो, आप रास्ते में खोल सकते हो, इतनी भी क्या जल्दी होगी। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। वो सामने है जी द फेमस फैसल मॉस्क, और लास्ट टाइम जब हम वोट डालने आए थे ना, ए हाँ क्या है, डियर। ओके लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे, तो मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट हम आएंगे सैदपुर विलेज, ये और इधर टेम्पल भी है, तो सब दिखाएंगे आपको। ये है जी सैदपुर विलेज, अजान भी हो चुकी है। हम लोग आ गए हैं सैदपुर विलेज, और जैसे कि आपसे वादा किया था आपको लेकर आ गए। काफी रश है, इफ्तार हो चुकी है और ठंड हो चुकी है। हम लोगों ने रास्ते में ही अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया था। मुस्तफ़ा साहब की एक्साइटमेंट देखें, वो सामने सारा एरिया है और ये बहुत पुराना विलेज है, इसके बारे में आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा। ये अभी मुस्तफ़ा और मुतीबा ऊपर जा रहे हैं। चलो 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 चलो, आगे हम सारे, बहुत लोगों का रश है, थोड़ा बहुत है बल्कि। वाह वाह, ये लगा हुआ है जी बुफे इफ्तार का, सब लोग बैठे इफ्तारी कर रहे हैं, हमारे भी मुंह में पानी आ गया यार। ये मेन सारा है यहाँ पे, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मंदिर है और वो गुरुद्वारा होता था और ये पता नहीं क्या होता था। बहरहाल ये थोड़ा सा हम लोग सर्च करते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। लाइट्स इसलिए नहीं ऑन अभी क्योंकि इफ्तार का टाइम है ना। हाँ तो गाइज ये जो है, ये है श्री राम कुंड टेम्पल, और ये है डेडिकेटेड है हिंदू गॉड राम को, और 16th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था। श्री राम कुंड टेम्पल
बाकी ये कि डिटेल इसकी 16th सेंचुरी में ये बना था। अभी यहाँ पे लोग होते हैं लेकिन क्योंकि इफ्तारी का टाइम है तो कोई है नहीं यहाँ पर, वरना मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता। वो गुरुद्वारा है, लाइट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं जल रही। और ये जो है इसका मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये भी टेंपल है या क्या है। बहरहाल वो एक बंदा यहाँ पर होता है, वो सारी डिटेल दे रहा होता है, सब बता रहा होता है हिस्ट्री उसके हवाले से। बाकी वो सारा आप देख सकते हैं, इफ्तार चल रही है और जगमगा रहा है। ये मैं आपको बता रहा था वो श्री रामकुंड टेंपल है, वो भी टेंपल ही है लेकिन ये श्री रामकुंड टेंपल है। और वो कौन सा टेंपल है, वो यहाँ पर एक भाई होते हैं जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम में आया था तो बताया था कि इसकी हिस्ट्री भी बताई थी और इसकी भी, लेकिन वो कंफर्म गुरुद्वारा है। ऊपर जा रहे हैं मुस्तफ़ा के कहने पर, यहाँ भी रेस्टोरेंट है जहाँ पे इफ्तार बफे चल रहा है। ये बफे चल रहा है ऊपर और वो नीचे है। हमने खाना लेकिन कहीं और से, हमने अपना रोज़ा तो खोल लिया लेकिन खाना कहीं और से। सो वी आर गोइंग बैक, हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे रात हो गई है, अगर दिन को आते तो फिर कुछ हमारा काम हो जाता। मंदिर जो है ना सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जी जी चले, रात हो गई ना। ये भाई यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। भाई क्या बना रहे हैं यहाँ पे? जलेबियाँ अभी बन गई हैं, बाद में बनाएंगे, बनाएंगे अभी लोग इफ्तारी कर रहे हैं ना उसके बाद बनाएंगे। चलो जी लेट्स गो बैक। असल में जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा नहीं हुआ लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया हमने सैदपुर के लिए। ओए ओए ओए, चलो करो अभी, अंकल देंगे फिर करना है। रुको उसके साथ आ जाओ मुतीबा, चलो बस। ये भी हैं, ये भी हैं, आपको ये चाहिए? चलो मुस्तफ़ा खुश हो, हाँ चलो अब चलें। हम लेट हो गए ना मुस्तफ़ा साहब, खुश हैं कि बबल्स ले लिए। वाह तो यार वहाँ से हम लोग निकल गए थे, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ पे थोड़ी सी पेट पूजा इन्होंने करनी है, मैंने भी करनी है। और हाँ ईद करीब है तो आपको पता है ईद पे हमारे यहाँ स्टॉल्स लग जाते हैं, तो उसने या इसने वहाँ पे भी जाना है, इसको तो मौका ही चाहिए होता है। वेरी फनी मुस्तफा की एक्साइटमेंट भी आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो जी हम आ गए F7 और हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग। अच्छा मैं सोच रहा था रश नहीं होगा लेकिन इफ्तारी का टाइम गुजरा ही है और देखें कितना रश है। गाड़ी की जगह, एक गाड़ी की जगह नहीं। पहुंच गए हैं यार हम लोग और सारी मार्केट खुली है। चलो ये सामने बड़ी मशहूर पान कॉर्नर है, छोटे होते थे हम तब भी यहाँ से पान खाते थे, अभी खाएंगे। बारबेक्यू बन रहा है, लेमन अभी आते हैं यार, अभी लेमन सोडा। ये पान शॉप की मैं बात कर रहा था, बड़ी मशहूर पान शॉप। ये बड़ी मशहूर चिप्स, अफगानी चिप्स खाने हैं चिप्स, थोड़ा दूर से ये बचपन में बहुत खाए हैं। और तुमने खाने? मैं हाँ थोड़े से 150 वाले यार कर दें, लेकिन ये है कि ये चटनी नहीं ना खाता। बड़े पुराने चिप्स हैं अफगानी है, पराठा कहाँ से मिलता है? हाँ ये बचपन में मैंने यहाँ पे बहुत खाए। आप कब से यहाँ पे बैठ रहे हो? हमारा तो एक साल हो गया। एक साल हो गया, अच्छा तब यहाँ कोई और भाई बैठा है अगर सर। हाँ जी इस पर डाल दो, ये इनकी मशहूर चटनी। वाह केचप तो नहीं चाहिए? चलो पकड़ लें जी अंकल से। चलें भाई ने हमें स्टूल दे दिए मुस्तफ़ा के लिए, मुस्तफ़ा यहाँ बैठ के खाएगा। मेहरबानी यार, एक मुझे भी एक बाबा को दो, एक मैं भी एक से खाऊँ ना, मुझे देख नहीं रहा। ये चटनी जो है ना ये बहुत मज़े, इसी का तो सारा मज़े। ये आ गई है जी मेरी जेब खाली करवाने के लिए। जेब खाली करो, ये लेके कैसा है? अच्छा हाँ
हाँ वो स्टॉल्स लगी हुई ईद वाली और इसने ढूंढ ली। पहले कहाँ जाना है जी? पान एक दो। पान अच्छा लेते हैं, पान वापसी पे लेंगे। चलो जी अब हम जा रहे हैं, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए ईद के और मुतीबा के आंखें जो है ना इनसे हट नहीं रही, ये कौन मुस्तफ़ा की हो रही है मेल्ट, तो साथ साथ हम भी खा रहे हैं। ये सारी रिफ्रेशमेंट एरिया है, मार्केट है, कुछ भी खाना हो कुछ भी पीना हो यहाँ से मिलेगा। फिल्मी है ना बहुत, आ गए पूरा ईद बाज़ार आ गए। अच्छी तो फ्री मिले तो सारी अच्छी होती है, क्योंकि मुतीबा की बार्गेनिंग चल रही है, वो हो जाए तो फिर हम लोग कुछ खाने के लिए जाएं। साइज तो छोटा लग रहा है, नहीं सही है, सही आ गई थी मतलब कलाई में। कलर देखें सारे कलर, तो यहाँ पे चूज कलर ये, क्योंकि हम दोनों बॉयज यहाँ पर हैं, मुतीबा बैंगल्स की शॉपिंग कर रही है। ग्रे में कौन सा कलर मिक्स कर रहा है? ये ग्रे तो नहीं है, ब्लू है। नहीं ये कोई ब्राइट सा ग्राउन ना कि नहीं? हाँ ये करा मिल जाएगा साइज। ले जी लगे तो चूड़ियाँ भी ले ली हैं मुतीबा ने, दो कलर है। हमारे लिए दो मीठे पान लगा देने। चलो वो अंकल ने देखो क्या दे दी आपको, टॉफी दे दी स्ट्रॉबेरी वाली, थैंक यू बोलो। बचपन का टेस्ट याद आ गया वो ही है। जी जी वही कुछ हो गया जी, लेकिन खाना रह गया। और ये बड़ी मशहूर जगह है, बहुत पुरानी। मैं सारी उन जगहों पे जा रहा हूँ, जब मैं इस्लामाबाद रहता था तो जाता था। जी 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 मजा आ रहा है, मेरे बेटे को भी मजा आ रहा है। तो आज हम यहाँ बैठेंगे, अगर जगह हुई ना हुई तो फिर देखिए सामने बड़ी प्यारी सीटिंग लगी हुई है, लोग बैठे खा रहे हैं। लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट है वो टोटली ऑपोजिट है। जी जी आ गए खाना खाने, यहाँ क्लाउन नजर आ गया, पता नहीं डर ना जाए। मुस्तफा क्लाउन हेलो, लेनी है ग्लासेस? चलो वाओ, इधर से बहुत रोल पराठे खाए मैंने, रोल पराठे बहुत खाए हैं। ओह इतना बड़ा रोल पराठा, ये क्या है जी? जिंगर बर्गर। ओह आते हैं जी, पुरानी यादें ताजा करते हैं। कैसा है? अब मिर्चे लेकिन बहुत है, हमारा चाय पीने का मूड है। ये वो चाय है, अभी देखते हैं ना अंकल कैसे बनाते हैं। नींबू नहीं इलायची डाली हुई है। हाँ कह रही है कैसे चाय बनाई। बिस्मिल्लाह मजे किया। इसकी खासियत क्या होती है यार? ये मटका जो है ना मटी का बना होता है। अच्छा इसका अपना जायका आ जाता है, अपना जायका, इसमें मटी का जायका निकल जाता है इसमें। ये भी ट्राई करने लगी। ओए कैसी? बस इसमें सिर्फ मिट्टी का टेस्ट होता है। तो यार काफी दिनों बाद हम लोग बाहर आए हैं, कुल्लड़ में हमारे पास चाय मौजूद। तकरीबन 8:30 हो रहे, अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे क्योंकि मुस्तफ़ा की भी सोने का टाइम हो गया और हमने भी घर जाना है। ऐसी बात है, थकान अब होना शुरू हो गई। मौसम बहुत ही मजेदार था, हम लोगों ने सही दिन चुना आने के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी करें। हाँ सही कह रहे हैं। इसी तरह आप लोगों से यार मुलाकात करते रहेंगे, अब हम कोशिश करते हैं वापस से डेली हो जाए।
ये मुस्तफा दिखा रहा है कि मैंने बबल्स भी लिए हैं, बलून का स्टॉल भी था। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। करा सॉरी सॉरी।